कर रहा? दिमाग नहीं आता तेरे बीच में? आज सुधाकर और मेरे बीच में दिमाग भी नहीं आएगा और तू भी नहीं, छोड़ मुझे। रुकना मेरी माँ। अच्छा अच्छा हुआ मैंने दीपक से बेहोशी की दवा मंगवा ली थी, ये मलपानी को ना बेहोशी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है तो मैं भी चलेगी तेरे साथ। अच्छा तू चल। इतना पुण्य किचन दानी किया ना, बहुत प्यास लग गई है। हाँ, तो गला है। सूख रहा है मेरा, तो मैं पानी पीती है। और तू भी देख तेरा बाल खराब हो गया, ठीक कर ले ऐसे से कर। चले। अरे क्या, अरे देख देख मैं कैसी दिख रही है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी ना, अच्छी लग रही है ना। हाँ। अभी देख कैसी लग रही है मैं। सॉरी मालपानी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना। वो क्या है कि उस बॉटल में पानी भर दिया था क्योंकि मैंने तेरी और दीपक की सारी बातें सुन ली थी। सॉरी हाँ उर्मिला, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके बाय। मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। सुधाकर सुन, इधर इधर जल्दी आ, जल्दी आ। एक काम कर, जाके उसको शाकाहारी को बुला के ला। माँ जी उसका नाम शाकाहारी नहीं जमकारी है। वो जो भी उसका नाम हो उसमें मेरा क्या लेना देना। जाके उसको जल्दी बुला। क्यों? क्योंकि मुझे ना अग्नि परीक्षा देनी है। आप आग में कूदेगी? आग में कूदे मेरे दुश्मन। वो झिंगलाला के सामने ना मैं सच बोलने की परीक्षा देना चाहती हूँ। बुला। ओह तो उस बात का अब तक बुरा लगा है माँ जी को। देखो ना माँ जी, मैंने आपसे और उर्मिला दीदी से माफी मांग ली थी और उर्मिला दीदी ने सच्चाई भी साबित कर दी थी ना। वो उर्मिला ने साबित किया, मैंने नहीं। इस बार मुझे साबित करना है, इसलिए प्लीज जाके वो झिंगलाला को बुला कर ला। जा। हाँ बुला तो बुला। जिमनाक। ओ जमकारी, जमकारी। बगरा को दूंगा रही। ऊपर लगू, ऐसा कोई करता है? ठीक है ठीक है, अब मेरी सुनो। अब जो मैं बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। और सच ये है कि मेरे घर में मेरी एक बेटी है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ। इसका मतलब माँ जी आपने झूठ बोला? नहीं नहीं सुधाकर, मैंने तो सच बोला था, मेरा प्यार सच्चा था। मुझे लगता है सुधाकर डिफेक्ट ना तेरी इस झिंगलाला में है, इसको फटाफट ना किसी गराज गराज नहीं किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जा प्लीज। जिगरी गंजाम पर ही का। ये क्या बोली? वो जो भी बोली लेकिन आप झूठ बोली ये पक्का हो गया। जब ये उर्मिला दीदी ने बोला कि माँ से बहुत प्यार करती है तभी कुछ काला नहीं हुआ, लेकिन जब आपने बोला कि अपनी बेटी से प्यार करती हूँ तो ये फूल काला पड़ गया। ऐसा कैसे हो गया माँ जी? माँ जी और उर्मिला बहन अभी तो भाग गए, लेकिन मुझे इस बात की तह तक जाना होगा। पहले काका से बात कर लेता हूँ। आप किस जमाने में जी रही हैं? ये तो 2018 चल रहा है। उस थिएटर वाले ने ऐसे क्यों कहा कि ये 2018 चल रहा है? ऐसा झूठ कौन बोलता है, पागल है क्या वो? तो फिर उसने ऐसे क्यों कहा कि ये 2018 चल रहा है?
टिकट 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 आइए, एक पे एक टिकट फ्री है। एकदम संस्कारी पिक्चर लगी हुई, बहुत बढ़िया पिक्चर है। आइए आइए, क्या हुआ, टिकट नहीं चाहिए? दूसरे थिएटर जा रहे हो? अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ हाउसफुल है, वहाँ की सारी बत्ती गुल है, वहाँ के सारे कर्मचारी पीके टुन है। कब ओवर एक्टिंग ऐसी नहीं बोलती ना? वाह वाह, कितना घटिया है ये, इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अरे जय बेटे, अच्छा कोई कलाकार मिला नहीं क्या ये टिकट बारी वाले का रोल करने के लिए? देखिए अंकल, अगर आपको मेरी एक्टिंग पसंद नहीं है ना, तो एक काम कीजिए, ये लीजिए मूंछ और आप खुद बन जाइए। इससे तो अच्छा मैं कर लेता। ये तो मैदान छोड़ के भागने वाली बात हो गई। नहीं भाई, गलत है यार, मेरी एक्टिंग में क्यों सवाल खड़ा कर रहे यार? ससुर को समझा ले, अगर उनको मालूम चल गया ना कि इस घर में मैंने इतने सारे रोल किए ना, तो इनकी हवा गुल हो जाएगी। तू मेरी हवा क्यों गुल कर रहा मेरे भाई? और दीपक तू ज्यादा फैल रहा है। अरे तो क्या करूं, उन्होंने मेरी एक्टिंग पे सवाल खड़ा किया, एक्टिंग पे। तुझे पता है आज भी भोजपुरी में अगर एक्टिंग का जिक्र होता है ना, तो लोग दीपक तिजोरी की कसमें खाते हैं, दीपक तिजोरी की। वो नहीं समझते रहे? नहीं समझते, तू छोड़, उनको छोड़ दे, मैं मान दो ना भाई, तेरे जैसा कोई एक्टर ही नहीं है। लेकिन इसके लिए भी टाइम नहीं भाई, दिख जाए आने वाली तेरी एंट्री का टाइम। ओके, ठंडा ठंडा ठंडा, बाबा आप बताइए, आप बताइए, बाबा आप बताइए। अरे क्या बताना है वो तो बताओ। हाँ आप बताइए कि आपके पास पागलपन का इलाज है? है, लेकिन तू तो बहुत अच्छा अच्छा भला दिख रहा है। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन ये है कौन? अरे दुखियारा है बेचारा, निकल जाएगा। मुझे ये गायत्री थिएटर में मिला। अच्छा गायत्री थिएटर? हाँ हाँ गायत्री थिएटर, वहाँ वो फिल्म लगी है ना, मैं ना भूलूंगा। बस ये दुखियारा बेचारा मुझे वहीं मिल गया। और पता है बाबा, मैंने उससे पूछा कि क्या वहाँ फिल्म की टिकट मिल रही है, पता है इसने क्या जवाब दिया? क्या? किट्टू कहाँ गया मेरा बेटा? किट्टू कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, किट्टू मेरे बेटे कहाँ है तू? अरे बड़ा सफेद हो गया। क्या है ना कि आपने चश्मा नहीं पहना है ना, इसलिए इनको दिखाई नहीं दिया। हाँ अच्छा, तू यहाँ है मेरे भेजे के टुकड़े। अरे भेजे के टुकड़े नहीं, कलेजे के टुकड़े बताए। जैसे कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या बन के घूमना पड़ रहा है, कुछ नहीं मालूम। मतलब क्या है? मैं समझाता हूँ, इधर आइए। मतलब उर्मिला और जय की माँ है, लेकिन देखिए इस वक्त क्या उसे बनना पड़ता है। उतर रही है, सीढ़ी उतर रही है। अरे मेरा किट्टू है ना, मेरा मासूम किट्टू, इसे कोई अजीब सी बीमारी हो गई। ये आज नहीं, आज से 6-7 साल आगे जी रहा है। ट्रेलर दिखाऊं? हाँ दिखाइए दिखाइए। बताती हूँ, बताइए मत, दिखाइए। अरे नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ आप लोग बताइए ये कौन सा साल चल रहा है? 2012। अच्छा अभी मेरा किट्टू बताएगा ये कौन सा साल चल रहा है, बता किट्टू। 2018। देखा मेहरबान कदरदान, मेरे किट्टू को लग रहा है कि 2018 चल रहा है, जबकि असल में 2018। अरे पूरा तो बोल देगा। जबकि 2018 नहीं चल रहा, चल रहा है 2012।
ये तो भयंकर बीमारी है, भीषण बीमारी है। लेकिन मेरा नाम भी ललित राव लोखंड है, मेरे पास इसके ऊपर इलाज है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं लोखंडी जी, आपके पास इस बीमारी का इलाज है? हाँ है ना, इलाज है मेरी माँ। भाई साहब, मेरे किट्टू को ठीक कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैर भरती हूँ, झोली फैला के भीख मांगती हूँ, मेरे किट्टू को ठीक कर दो। भूत कालम रमते, काढ़ा दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं। नहीं नहीं माँ जी, ये काढ़े का ही नाम है, भूत कालम रमते काढ़ा। 2000 बार ये पीने के बाद ये आदमी वापस 2012 में आ जाएगा। अच्छा। हाँ, ए सुधाकर जा, भूतकाल रमते काढ़ा लेके आ जा। हाँ, हाँ। अरे जया दीदी। अरे जया दीदी। जया, जया जी। जया, कौन है ये जया? ये मेरी बेटी है। अरे जया बेटी तो आ गई। बाबा बस कुछ ही देर पहले, और मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या यही वो आदमी है जो गायत्री थिएटर में काम करता है और जिसने मुझे कहा कि 2018 चल रहा है? हाँ, वो थोड़ा दिमाग पर असर हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे काढ़ा दे दूंगा, ठीक हो जाएगा। अरे सुधाकर, ये भूतकालम रमते काढ़ा दे दो। माँ जी, आपने किट्टू की नकली माँ बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी की, लेकिन उर्मिला की माँ बनने की एक्टिंग अच्छी नहीं करते। मुझे पता चल गया है, आप उर्मिला दीदी की असली माँ नहीं हो। काका को बता दूंगा अभी। 2018 चल, हो जाते 9, 2, 11 निकलते हैं। मैं छोड़ गया तो। आइए आइए। भाग 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 भाग। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। I thanks to you, भाई आज तक मुझे किसी फिल्म में काम नहीं मिला, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इतने सारे करेक्टर करने का मौका मिला। थैंक यू यार। मेरे यार, हाँ, तू एक रोल सबसे अच्छा करता है। कौन सा बता, करके दिखाओ। बोल। मेरे सबसे अच्छे दोस्त होने का रोल। अच्छा ठीक है, ये इमोशन छोड़ और ये पकड़। ठीक है, मैं ना भूलूंगा कि 2012 की नकली टिकट है। क्या बात कर रहा है यार तू? ये तू जया भाभी को दे दियो, ठीक है? टेंशन नहीं है। थैंक यू। देखा, मेरा कैरेक्टर नहीं, दिमाग भी चलता है। मैं चेंज करके आता हूँ। लेकिन बाबा, मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे थे? वो क्या है बेटी, थोड़ा आयरन कम हो गया था, चिंता मत करो, मैं दवा देता हूँ, वो लेके सो जाना, आराम करना, सुबह तक ठीक हो जाओगी। जी, और हम कल पक्का मूवी देखने जाएंगे, और सिर्फ आप और मैं नहीं, हम सब जाएंगे। वापस कल कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। बाबा, हम ऐसे कब तक कर्फ्यू लगाएंगे? हमको जया को रोकना नहीं है, उसकी जिद को तोड़ना है, पर कैसे? कैसे तोड़ू, कैसे तोड़ू कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तोड़ू मैं? काका, सेब तोड़ते नहीं है, या तो काटते या खाते है। अच्छा। काका, आप भी है ना, बिल्कुल अपनी बहू पे गए हो। क्या? वो भी ऐसा सेब फेंक के मारती है। अरे वो बाण भी मारती है। आप बाण नहीं मारते, लेकिन सेब तो पहले से ही जार से टूटा हुआ है ना, इसलिए कह रहा था। अरे मैं भी जया की जिद तोड़ने की बात कर रहा था। काका, काका, वो थोड़ी देर बाद सोच लो आप, पहले ना मेरे मन में एक सवाल कब से कूद रहा है, उसका जवाब दीजिए ना। हाँ ठीक, अरे कुत्ते हुए मन को पहले शांत कर दे, मेरा क्या है, कभी भी हो सकता है। काका, जया दीदी आपकी बेटी है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जया दीदी के बाबा आप नहीं हो? नहीं, उधर खड़ा
मैं उसका बाप नहीं हो सकता हूँ। क्या बोल रहा है तू? काका मैं उसका बाप नहीं हूँ। काका जगह खत्म हो गई, रुक जाइए। नहीं काका, काका ये बकवास नहीं है, यही खास बात है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ काका। काका ये क्या है? फल है। नहीं नहीं, ये क्या है? केला। ये सेब। आपकी नजर में ये सेब और केला है, लेकिन दुनिया की नजर में ये सेब और केला नहीं है। नहीं है, ये बाप बेटे है। क्या? क्या हुआ काका, दरवाजा क्यों बंद किया? इतनी बड़ी बात की है तूने, कोई सुन लेगा तो? हाँ हाँ काका, सेब और केला बाप बेटा है। केला जो है सेब का बाप है, सेब केले का बेटा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि केला सेब का बाप नहीं है। बोलो 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 बोलो, बाप को लाओ, बेटे को लाओ, जरा वो लेके जा। अच्छा ये किताब? नहीं नहीं नहीं, उसके बाजू में जो है ना फुटपट्टी है ना। अच्छा ये अच्छा नापोगे को? ये बाप की हाइट गिननी है। अच्छा नापोगे केले को? केले के नापोगे। ये इसका बाप है और सेब केले का? काका काका लग जाएगा काका। नहीं काका 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 काका, इधर आ इधर आ काका। चप्पल चप्पल निकाल, चप्पल निकाल और इधर आ जा, इधर आ जा काका। सबके नाते बताता हूँ, ये जो मौसमी है ये काका लग जाएगा। ये मौसमी है, ये किसका है? ये सेब का भाई है। ये नारिंगे है, वो उसकी बहन का बेटा है। और ये जो पूरा परिवार है इसका नाम है फ्रूट सैलेड। काका आपने बोला था कूदते मन को शांत करोगे, आप तो खुद कूदने लगे काका। नहीं काका नहीं, चुप बैठ चुप बैठ। जय जी, जय जी, ये लीजिए आपके लिए। ओ, हाँ यही है रंजीत कुमार, उसकी फिल्म की टिकट। लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? अरे दैट गाय, गायत्री थिएटर मैं गया था ना देखने, मैं ना भूलूंगा फिल्म रंजीत कुमार की, आपके लिए भी दो टिकट ले आया। लेकिन तुमने तो ये मूवी देख ली थी ना, तो फिर दोबारा क्यों देखने गए? दोबारा देखने लायक लगी मुझे फिल्म। लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये फिल्म इज ओके, रंजीत कुमार ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत अच्छा काम किया है रंजीत कुमार ने, उसी के लिए मैं दोबारा गया देखने के लिए। देखा तुम भी बन गए ना रंजीत कुमार के फैन। रंजीत कुमार, उसकी तो बात ही कुछ और है ना। वो तो है। अच्छा तुम भी आ जाना कल मूवी देखने, दो बार तो देख ही लिए, तीसरी बार भी देख लेना हमारे साथ। हाँ ऑफ कोर्स आप कह रही आऊंगा, मतलब एज यू विश आई विल बी देयर फॉर श्योर। थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। ओ हेलो, टिकट के पैसे के बारे में ना तुम टेंशन मत ले। इट्स ओके इट्स ओके, भाड़े से काट लूंगी। हाँ मतलब वही। बेटा टिकट तो तुमने उसे दे दी, लेकिन अब फिल्म भी तो दिखानी पड़ेगी। दिखाएंगे ना डैड, दिखाएंगे, और ऐसी फिल्म दिखाएंगे ना कि पूरा मोहल्ला देखेगा। मैटनी शो।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.